आपको शायद मालूम नहीं होगा, मेरी दादी इंदिरा जी की हत्या से 4-5 दिन पहले हम लोग घर पे बैठे थे। मैं 12 साल की थी, राहुल जी 14 साल के थे। अचानक दादी ने कहा, बड़ा दिल कर रहा है कश्मीर जाने का, जो चिनार के पेड़ हैं पतझड़ के समय जो गिरते हैं, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तो हम दोनों बच्चे थे, बहुत खुश हुए, चलो दादी के साथ कश्मीर चलेंगे। तो दादी हमें कश्मीर लाई। पहली बार मुझे खीर भवानी के मंदिर में ले गई। उसके बाद एक बड़े आध्यात्मिक गुरु थे उनके, पंडित लक्ष्मण जू जी, उनका आश्रम होता था श्रीनगर में, वो वहां गई। फिर हम दिल्ली आए, 3-4 दिन बाद ही उनकी हत्या हो गई, वो शहीद हो गई। तो अक्सर मुझे लगता है कि कैसा बुलावा था ये, कि एकदम अपनी हत्या से 4-5 दिन पहले अचानक बोली मुझे कश्मीर जाना है। ये अपने अपनी धरती का बुलावा था। ये माता का बुलावा था कि वो खीर भवानी गई, पहली बार अपने दोनों पोती पोती को वहां ले गई। और उसके बाद से जब भी मैं श्रीनगर जाती हूँ, मैं जरूर खीर भवानी माता के यहाँ जाती हूँ और अपनी दादी को याद करती हूँ। दरअसल ये देश का शिखर है। प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया, सुंदरता, संसाधन, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु जो यहां से चले और सिर्फ अपने देश भर में नहीं लेकिन दूसरे देशों तक गए और धर्म की बात की, अमन चैन की बात की। आपके पास सब कुछ था, एक धार्मिक परंपरा, जैसे मैंने कहा, प्राकृतिक सुंदरता, संसाधन, और शायद ये दुनिया का तरीका है, दुनिया का स्वभाव है कि जब किसी के पास सब कुछ होता है तो जिसकी नीयत ठीक नहीं होती है वो उसे छीनने की कोशिश करता है, उसका इस्तेमाल करता है। एक तरह से भाजपा के नेताओं ने जम्मू और कश्मीर को अपने राजनीतिक शतरंज का मोहरा बना दिया है। यहां के लिए नीतियां नहीं बनती, आपके लिए नीतियां नहीं बनती, आपके प्रति जो नीतियां बनती हैं वो देश में जज्बातों को उभारने के लिए, राजनीति करने के लिए बनाई जाती हैं। मैं मोदी जी का भाषण देख रही थी, यहां आ रही थी, मैंने सोचा देखूं मोदी जी क्या कह रहे हैं, शायद कटरा का भाषण था। भाषण को सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि जनता अपने नेताओं से क्या चाहती है, थोड़ी ईमानदारी, कम से कम थोड़ी तो होनी चाहिए, थोड़ी सी सच्चाई, एक कर्मठता, एक गंभीरता कि जनता की क्या समस्याएं हैं, ये नेता समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और मुझे उस मोदी जी के भाषण में लगा कि वो गंभीरता ही नहीं दिखी। वो कहने लगे कि 10 सालों से यहां का जो रेलवे स्टेशन है, हमने इस रेलवे स्टेशन को में सुधार हम लाए हैं, इसमें परिवर्तन लाए हैं। मैं सोच रही थी 10 सालों से आप प्रधानमंत्री रहे हैं, आप कटरा आके कह रहे हैं कि मैंने आपके रेलवे स्टेशन में सुधार कर दिया। विकास की एक धारा होती है, जैसे जीवन की होती है। एक समय में मेरी बहनें यहां बुजुर्ग बैठी हैं, वो रोटरी वाले टेलीफोन होते थे, आपको याद है, यूं घुमा के फोन करना पड़ता था, जम्मू से दिल्ली फोन करना पड़ता था तो बुकिंग करनी पड़ती थी, 2-3 हफ्तों बाद ट्रंक कॉल लगता था। आज सबके पास स्मार्टफोन है,
परिवर्तन होता है, विकास होता है, रेलवे स्टेशन में सुधार होते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आकर इन छोटी छोटी बातों पर आपको कह रहे हैं कि देखो मैंने आपके लिए क्या किया, ठोस बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरे मन में ये बात आई कि जो ठोस बात है, जो जम्मू और कश्मीर की जनता के हृदय की बात है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी बात क्यों नहीं हो रही है, सच्चाई पर क्यों नहीं उतर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री कि जब उन्होंने आपसे राज्य का दर्जा छीना तो क्या क्या छिन गया आपसे। वो रेलवे स्टेशन की बात करने से नहीं मिलेगा आपको वापस, वो ये कहने से कि मैंने जम्मू में आईफिल टावर जैसा एक ब्रिज बनाया है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा, वो आपका हक था और उस हक के जरिए आपको बहुत कुछ मिलता था, अपने जमीन पर हक, रोजगार पर हक, छोटे कारोबारों को मजबूत बनाने का हक, जो सारा आज आपसे छिन गया है। एक एलजी है जो पूरा अपने हिसाब से अपनी मनमानी से राज कर रहे हैं, एक लूट का राज स्थापित किया है, रिमोट वाला राज स्थापित किया है। आपको अपने हक नहीं मिल रहे हैं इस राज में, आपकी जमीनें लैंड बैंक बन रही हैं। किसके लिए? आपके लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, जो मोदी जी पूरे देश भर में स्थापित कर चुके हैं कि कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ मिलेगा, वही आज जम्मू और कश्मीर में हो रहा है। यहाँ रिलायंस के रिटेल स्टोर खुल रहे हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जो आपकी दुकानें हैं, आपके छोटे बिजनेस हैं, उनको मारा जा रहा है। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, और आज बड़ी बड़े रिटेल वाले जो उद्योगपति हैं, आपके बिजनेस को छीन रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी अपनी सरकार नहीं है। नौकरियों का हक आपको मिलना चाहिए। यहां तमाम नौजवान खड़े हैं, मेरी बहनें, मेहनत करके, परिश्रम करके बड़ा करती हूं। मैं 52 साल की हूं, मेरा बेटा 24 साल का है, मेरी बेटी 22 साल की है। क्या चाहते हैं हम अपने बच्चों के लिए? एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं, कुछ बड़ी शान, शौहरत, पैसा, सत्ता नहीं। हम चाहते हैं कि खुश रहें, ईमानदारी से अपना काम करें और अपनी कमाई कर लें, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। ये आप भी चाहते हैं, इस मंच पे बैठे सारे नेता भी यही चाहते हैं। तो ये हक आपसे छीना क्यों जा रहा है? आज रोजगार के मामले में जम्मू और कश्मीर इतना पीछे क्यों पड़ गया है? इतनी बेरोजगारी क्यों है? आप परवरिश करते हैं अपने बच्चों की, मेहनत करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बच्चा भर्ती का पेपर देता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर दे भी देता है, मार्क्स भी आ जाते हैं, भर्ती नहीं होती, घोटाले पे घोटाले होते हैं,